एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बेटा, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया किस तरह से हेल्पफुल रहता है, किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल है। तो ये सारी चीज़ें हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है। तो बैक्टीरिया एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो साइज में इतना छोटा होता है कि उन्हें हम नेकेड आइज से या फिर हमारी ह्यूमन आइज से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए स्पेशल डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, जैसे कि माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास। तो जो बैक्टीरिया होता है वह इतना छोटा होता है कि हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से तो नहीं देख सकते हैं। कई सारे माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जिनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देख सकते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया होता है उसको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जाता है, क्योंकि वह साइज में बहुत ज़्यादा छोटा होता है। जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इज द स्मॉलेस्ट लिविंग बींग ऑन अर्थ। हमारी जो अर्थ है उस पर जो सबसे ज़्यादा, जो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है, दैट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। दे आर सो टाइनी दैट यू नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। दीज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कम इन मैनी शेप्स, इंक्लूडिंग ये रॉड शेप के हो सकते हैं, स्फेयर शेप के हो सकते हैं एंड स्पाइरल शेप के भी हो सकते हैं। तो जो बैक्टीरिया है वह है सिंगल सेल्ड लाइक स्ट्रक्चर है। जो बैक्टीरिया है वह है सिर्फ सिंगल सेल से मिलके बना हुआ है, यानी कि जो बैक्टीरिया है वह कैसा है बच्चे, प्रोकैरियोटिक या फिर यूनिसेलुलर। जो बैक्टीरिया है वह कैसा है, यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर है इसका मतलब यह है कि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब यह है कि उसमें जीन्स एंड डीएनएज भी नहीं है, जीन्स एंड डीएनएज भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो भी यंग वंस बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है उसमें उसके जीन्स का ट्रांसफर नहीं होता है। उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वह उनके यंग वंस में ट्रांसफर नहीं होती हैं, क्योंकि उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है। तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, समझ में आया आपको। अब इनकी जो शेप है वो रोड अब इनकी जो शेप है वह है रॉड शेप भी हो सकती है, इस तरह के भी हो सकते हैं। ये कैसी शेप है, एक रॉड शेप है, और इनकी शेप स्फीयर भी हो सकती है, इनकी शेप एक स्फीयर भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है, और स्पाइरल भी हो सकती है, यानी कि इस तरह से भी हो सकती है। तो ये इस तरह की शेप्स में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं बैक्टीरिया के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन। वेयर डू दे लिव। तो मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वह हर जगह प्रेजेंट रहते हैं। तो उनका एक वन वर्ड आंसर है, दैट इज एवरीवेयर। से कोई पूछे तो उनका एक वन वर्ड आंसर है, दैट इज एवरीवेयर। अगर कोई आपसे पूछता है कि माइक्रोब्स कहाँ रहते हैं तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि माइक्रोब्स हर जगह रहते हैं। तो जो बैक्टीरिया है वह भी क्या है, एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है, तो वह भी हर जगह पाया जाता है। एक्सट्रीम कंडीशंस में भी पाया जाता है। एक्सट्रीम कंडीशंस का मतलब है कि चाहे कितनी ही गर्मी पड़ रही हो, चाहे कितनी ही ठंड हो, चाहे डेजर्ट हो, चाहे मार्सी लैंड हो, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे सॉइल हो, चाहे हमारी बॉडी हो, बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर, हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। बैक्टीरिया लिव इन द सॉइल, वाटर, एयर, ऑन योर स्किन एंड इवन इनसाइड योर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया रहते हैं। सम बैक्टीरिया आर टफ एंड कैन सर्वाइव सुपर हॉट एंड सुपर कोल्ड एनवायरनमेंट। जैसा मैंने आपको बताया था कि कितनी ही गर्मी हो, चाहे कितनी ही सर्दी हो, हर जगह पर बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं। क्या बैक्टीरिया हमारे लिए गुड हैं या फिर बैड हैं? तो बैक्टीरिया हमारे लिए दोनों तरीके से काम करते हैं। कुछ बैक्टीरिया गुड बैक्टीरियाज होते हैं और कुछ बैक्टीरियाज बैड बैक्टीरियाज होते हैं।
तो जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं उनकी जो ग्रोथ है उसको रोकने में हेल्प करते हैं। ये जो पैथोजेंस है ये क्या है, ये एक तरह से बैड बैक्टीरिया हैं या फिर बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनकी ग्रोथ को कौन रोकते हैं, जो हमारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, जिससे कि हमें कोई बीमारी ना हो। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से जो बैक्टीरिया है वह काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जो हमारी सॉइल है उसमें भी बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं तो सॉइल में भी रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो बैक्टीरिया है वह हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। कुछ बैक्टीरियाज बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं जो हमें बीमारियां कॉज करते हैं, जैसे कि हमें कोल्ड कॉज करते हैं, हमें फीवर कॉज करते हैं, हमें स्किन इरिटेशन कॉज करते हैं, कई तरह की डिजीजेज कॉज करते हैं। तो दोनों तरह से बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी मदद करते हैं, और कुछ बैक्टीरियाज बैड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें नुकसान पहुँचाते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया आर हार्मलेस और इवन हेल्पफुल टू अस। बैक्टीरिया इन आवर गट हेल्प अस डाइजेस्ट फूड, हमारा जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। डाइजेस्ट करने में कैसे हेल्प करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड रहता है उसको क्या करते हैं, ये सिंपलर सबस्टेंसेस में चेंज कर देते हैं। जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलर सबस्टेंसेस में चेंज कर देते हैं, जिससे जो हमारा खाना है वह अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। सम बैक्टीरिया आर यूज टू मेक फूड लाइक योगर्ट एंड चीज़। जो हम यमी यमी योगर्ट खाते हैं वह किसकी हेल्प से बनता है, वह बैक्टीरिया की हेल्प से बनता है। जो हम चीज़ खाते हैं, हम चीज़ ब्रेड खाते हैं, चीज़ पिज्ज़ा खाते हैं, चीज़ बर्गर खाते हैं, चीज़ सैंडविच खाते हैं, इतनी सारी चीज़ें चीज़ से बनती हैं और वो हमें बहुत टेस्टी लगती हैं, तो वो चीज़ बनी कैसे, वह चीज़ बनी बैक्टीरिया की हेल्प से। ठीक है, तो ये गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। अ फ्यू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कैन कॉज डिजीजेज लाइक स्ट्रेप थ्रॉट और ईयर इन्फेक्शन। कुछ बैक्टीरिया बैड बैक्टीरियाज भी हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि वो हमें कई तरह की बीमारियां कॉज करते हैं। अब इन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, जो बैक्टीरिया हमें बीमारी कॉज कर रहा है उससे हम बचें कैसे, हम खुद को प्रोटेक्ट कैसे करें। तो बेटा जब हम खाना खा रहे हैं, चाहे हम कुछ भी चीज़ खा रहे हों, तो हमेशा हमें हमारे हाथों को सोप से धोना चाहिए, अच्छे से हमें हमारे हैंड्स को क्लीन करना चाहिए, हमारे जो डर्टी हैंड्स हैं उनको हमें हमारी आईज में नहीं लगाना चाहिए, हमारी नोज़ में नहीं लगाना चाहिए, मुंह में नहीं देना चाहिए, वरना उससे क्या होगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो जो बैक्टीरियाज हैं वह हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे और हमें डिजीजेज कॉज करेंगे। तो हमें हमारे हैंड्स को हमेशा क्लीन रखना है। और कैसे बचा जा सकता है, और बचा जा सकता है वैक्सीनेशन से। जो ये डिजीजेज होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, उनके लिए स्पेशल वैक्सीन्स बनाई गई हैं। जैसे फ्लू की वैक्सीन होती है वह हमें लगवानी चाहिए, जिससे कि हमें डिजीजेज ना हो। चलिए, सोप एंड वाटर हेल्प वॉश अवे हार्मफुल बैक्टीरिया। डॉक्टर्स यूज वैक्सीन्स टू हेल्प आवर बॉडी फाइट ऑफ सर्टेन बैक्टीरियाज। कुछ बैक्टीरिया से हमारी बॉडी फाइट कर सके, इसके लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वह क्या करते हैं, हमें वैक्सीन्स लगाते हैं। तो हमें टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करवाते रहना चाहिए, जिससे कि हमें कोई डिजीज़ ना हो। चलिए अब पढ़ते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं बैक्टीरिया के बारे में, जैसे कि जो हमारी बॉडी है वह सेल से मिलकर बनी है। हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। हमारी बॉडी कितनी सेल से मिलके बनी है, तो हमारी बॉडी मिलियंस ऑफ ट्रिलियन सेल से मिलके बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि 2, 4, 10, 12, 13, 100, 200 सेल से बनके बनी हो। हमारी बॉडी मिलियंस ऑफ मिलियन सेल से मिलके बनी हुई है। लेकिन इतनी सेल से बनी होने के बावजूद भी हमारी बॉडी में जो बैक्टीरियाज हैं वह हमारी सेल से भी ज़्यादा हैं। जितनी सेल हमारी बॉडी में है उससे कहीं ज़्यादा बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। देयर आर मोर बैक्टीरिया सेल्स इन योर बॉडी देन योर ओन ह्यूमन सेल। दूसरा फैक्ट क्या है, दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो बैक्टीरियाज हैं
वो है हमारे एंसेस्टर हैं, यानी कि जो अर्थ पर जो सबसे पहले जो लिविंग बीइंग आया था दैट इज बैक्टीरिया। वह क्या था? बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया आर द ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। सबसे पहले अर्थ पर कौन आया? सबसे पहले अर्थ पर आया था बैक्टीरिया। साइंटिस्ट यूज बैक्टीरिया इन लैब्स टू स्टडी हाउ लाइफ वर्क्स। ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ या फिर एनिमल्स की लाइफ किस तरह से वर्क करती है, उस पर अगर कोई स्टडी करनी है, कोई रिसर्च करनी है, कोई लैब टेस्ट करना है, तो वह सबसे पहले किस पे किया जाता है? सबसे पहले किया जाता है बैक्टीरिया पर। सबसे पहले किस पे किया जाता है? बैक्टीरिया पर वह लैब टेस्ट किया जाता है कि ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ या फिर किसी एनिमल की लाइफ किस तरह से वर्क कर रही है। तो ये बैक्टीरियाज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बैक्टीरिया क्या होता है। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कि फंजाई क्या होता है, फंजाई क्या होता है, फंजाई किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है, फंजाई यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, क्या काम आता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखते रहिए द नॉलेज नुक्कड़। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।